Hi guys, this is Nitin Sharma from your PDA. Today I'm in the hall number 11 of IIT Kanpur and I will be interviewing Aman, who is pursuing PhD in Mechanical Department. Hi Aman. Hello. Kaise ho? Please introduce to our viewers. Hello friends, my name is Amanpreet Singh and I am from IIT Kanpur, pursuing PhD here. I did my BTEC from Baba Banda Singh Bahadur Engineering College, Fatehgarh Sahab, and I scored 76% marks and now I'm doing PhD here. Aman, when you appeared for the gate? Actually, I appeared in 2015 and I scored 476 marks, 476 gate score and 46 marks. Okay. On the basis of your gate score, have you applied in the IIT, Aman? Actually, I applied in the summer semester. I applied for the IIT Kanpur and IIT Madras, but I got call only from IIT Kanpur and I was unable to give exam here actually because I had my university exam. Okay. So, Aman, winter session ke baare mein pata tha aapko kuch? हाँ, विंटर सेशन के बारे में हमारे ईसीबी के मेंटर ने बताया था हमें कि विंटर सेशन भी होता है, आप उस टाइम में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि सीट्स वेकेंट रहती हैं आईआईटीज में. तो मैंने तीन जगह अप्लाई किया था, आईआईटी कानपुर, मद्रास और रोपड़ में. तो आईआईटी कानपुर में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं मद्रास और रोपड़ इंटरव्यू देने नहीं गया था. तो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस इन द आईआईटी कानपुर? सो बेसिकली उसके लिए आपको पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि आप करने क्या आ रहे हो. अगर आप एमटेक एमएस करना चाह रहे हो तो आपका गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए. और अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करना चाह रहे हो तो आपका आपको गेट क्वालिफाई करना चाहिए और आपके बीटेक परसेंटेज 75 से ऊपर होने चाहिए. तो इस ये बेसिस है उनका इंटरव्यू कॉल के लिए. इंटरव्यू से पहले वो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट लेंगे. रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर पाते हो फिर आप इंटरव्यू दे पाओगे. तो मैं जस्ट क्वालिफाइड भी अलाउड होता है पीएचडी के लिए? जस्ट क्वालिफाइड भी अलाउड होता है. जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, उनका 32 था गेट मार्क्स, उनके 32 आए थे, तो उनका भी यहाँ पीएचडी में चल रहा है एंड ही इज डूइंग फाइन. ओके, तो अमन आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, इंटरव्यू बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका बीटेक प्रोजेक्ट का इंटरव्यू होता है. जो आपने बीटेक में प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं और थोड़ा सा ये पूछते हैं कि आप डायरेक्ट पीएचडी ही क्यों परस्यू करना चाहते हो, एमटेक एमएस क्यों नहीं परस्यू करना चाहते, सम सिमिलर क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट. ओके, तो मैं व्हाई डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक? क्योंकि नई ब्रांच खुली है, किसी को पता नहीं है कि बीटेक के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी ऑप्ट होती है, बट देयर इज नो ट्रेंड गोइंग ऑन. तो इसका क्या रीजन है, व्हाई डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक, क्यों नहीं एमएस, क्यों नहीं एमटेक? बेसिकली अगर आप बीटेक के टाइम पे थोड़ा बहुत अगर किसी फैकल्टी के साथ अच्छे से काम करते हो तो आपको पता चलता है कि रिसर्च क्या होती है और आपको पता चलता है कि आपका अगर इंटरेस्ट रिसर्च में है तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पीएचडी ऑप्ट करो, क्योंकि उसमें क्या है, आपका टाइम भी बचता है और आप जल्दी से वो कर भी लेते हो. ठीक है, तो मैं ऑप्शन ऑफ पीएचडी अब्रॉड आफ्टर एमएस और एमटेक? हाँ, उसके लिए बेसिकली अगर आपका सीपीए ज्यादा अच्छा है, आप आईआईटीज और एनआईटी से कहीं से भी बीटेक एमटेक कर रहे हो, एमटेक करने के बाद आपके एक दो पब्लिकेशंस हैं तो आप पर्सनली प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हो कि मैं आपके आपका काम मुझे अच्छा लगा, मैं उस काम में आगे परस्यू करना चाहता हूं, और फिर उनके इनविटेशन लेटर पे आप वहां पे पीएचडी करने जा सकते हो और आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है अगर आपकी सीपीआई अच्छी है तो. क्योंकि बाहर का क्राइटेरिया बेसिकली मेन सीपीआई पे ही टिका रहता है. अगर आपकी सीपीआई 9 से ऊपर है तो आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप पाओगे. तो मैं ब्रॉक भी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग पीएचडी अब्रॉड? हाँ, ऑब्वियसली उनकी रिकमेंडेशन जाती है यहाँ से कि ये जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट अच्छे से काम कर रहा है मेरे अंदर, तो इट इज कंसिडर्ड ओवर देयर. ओके, मैं प्लीज टेल अस अबाउट द फॉरेन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज अब्रॉड. मैं बड़ा क्यूरियस उसको जानने के लिए क्योंकि आईडीज के भी रिसेंटली अगर आप न्यूज भी पढ़ोगे तो काफी ज्यादा फॉरेन कोलैबोरेशन हुई है अब्रॉड में, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट डालोगे? हाँ, बेसिकली अगर फॉरेन कोलैबोरेशंस की बात करें तो अगर हम बीटेक की बात करते हैं तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहती हैं क्योंकि वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं. लेकिन अगर आप दूसरी बात क्या होती है कि उनका इनविटेशन आता रहता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, और अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास एनएफ पब्लिकेशन है और आपके गाइड अलाउ कर रहे हैं तो आप जा सकते हो बाहर इंटर्नशिप के लिए एज अ पीएचडी स्टूडेंट ऑल्सो. और बाकी क्या होता है कि जो गाइड्स होते हैं उनका अलग अलग कोलैबोरेशन रहता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर के साथ, तो वो भी पर्सनली भेजते हैं. जैसे दिस ईयर मैं भी जापान गया था मेरे गाइड का कोलैबोरेशन था. बेसिकली इट वॉज लाइक अ वर्कशॉप, दैट इट वॉज इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप टू द रोबोटिक्स. अपॉर्चुनिटी जो मिलती नहीं है आईआईटी में आके आप डिफरेंट चीज एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में. ठीक, तो अमन हाउ इज द लाइफ एट द आईआईटीज? अगर मैं आपको बोलूँ की वन वर्ड में आप डिफाइन करो कि हाउ इज द लाइफ एट द आईआईटीज, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? ऑसम.
आई विल जस्ट से दैट कि आप टेक फेस्ट होते हैं आईआईटी में, आप एक बार आके विजिट करो, कैंपस देखिए, कैंपस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि क्राउड बहुत अच्छा है यहाँ का, आपको पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं पढ़ाई के साथ साथ, यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत होते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत कुछ है। Can you even put some light on the winter admission in your department? Winter admission के लिए basically seats कम रहती हैं। Okay. But ये है कि competition भी कम रहता है। Okay. क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं PSU चले जाते हैं और कई बच्चों को पता नहीं होता कि winter admissions हो रहे हैं, तो वो आते नहीं है। और दूसरे बच्चे कई सोचते हैं कि हम गेट क्लियर करेंगे और PSU ज्वाइन करेंगे। Okay. तो कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। ओके okay. अमन, एक बड़ा रिसेंटली ट्रेंड आ रहा है पंजाब से उठ के कि काफी ज्यादा यूथ अब्रॉड के लिए जाना चाहता है, तो आई वांट टू नो योर एडवाइस कि आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके ऊपर, क्योंकि काफी यूथ को अगर आप देखोगे तो लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू द आईलैंड्स या एमएस करने के लिए जा रहे बाहर, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है कि बाहर जाना चाहिए या आपको कैसे जाना चाहिए? बेसिकली अगर आप बाहर जाना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो मैं ये कहूंगा कि आप PhD करने जाइए बाहर, एमएस एमटेक करने ना जाइए, क्योंकि उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात, जो ज्यादातर बच्चे बाहर जा रहे हैं वो इंजीनियर्स ही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो बाहर जाके भी तो आप एक टफ कॉम्पिटिशन करते हो वहां पे जाने के लिए, आईएलटीएस क्लियर करते हो, फिर उसके बाद वहां पे करिकुलम में एडजस्ट होना, फीस भरना, वर्क परमिट लेना, वो भी एक टफ जॉब है। लेकिन अगर आप वही वर्क इधर करेंगे इंडिया में, तो आपको आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगी गेट के थ्रू, और आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और उस स्कॉलरशिप में अगर आप उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में आप अच्छे CPA मेंटेन करते हो, तो आप बाहर जा सकते हो PhD के लिए अच्छी स्कॉलरशिप। तो मैं एक और चीज में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूंगा, इट्स बेटर टू वेट IIT के लोकल कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए आफ्टर द गेट, अगर आपका लो गेट स्कोर आता है, तो IIT के लिए आपको वेट करना चाहिए कि आपको किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ यूथ हैज बीन टेकिंग एडमिशन द लोकल कॉलेजेस, तो वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके व्यू पॉइंट? इसमें मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरा गेट स्कोर गेट मार्क्स 45 आए थे, तो मैंने सोचा कि पैक में अप्लाई करता हूँ मैकेनिकल, लेकिन पैक का कट ऑफ था 55, तो मैं एलिजिबल नहीं हुआ उसके लिए। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ड्रॉप कर लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूंगा। तो आप देखिए कि विंटर सेशन में मेरा IIT कानपुर में हो गया। मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं IITs में अप्लाई करूंगा इस गेट स्कोर के साथ, बट आके यहाँ पे एक बार रिटन टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, तो उसे एनी मोटिवेशन एडवाइस यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स अमन? हाँ, मैं बेसिकली एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने इंजीनियरिंग में 4 साल लगाए हैं और आपको लगता है कि आपका पैशन इंजीनियरिंग में है, तो आप प्लीज बैंकिंग जॉब की तरफ मत जाइए, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियर्स क्या करते हैं, बैंकिंग जॉब की तरफ चले जाते हैं या अब्रॉड चले जाते हैं। अब्रॉड चले जाना चलो डिफरेंट इश्यू है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग की है, पैशन है आपका, अच्छे हो एकेडमिक्स में, बीटेक परसेंटेज भी अच्छी है, तो जस्ट 1 साल और दीजिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप डेडिकेशन के साथ, जितनी डेडिकेशन आप बैंकिंग जॉब के लिए करते हो, उतनी आधी डेडिकेशन से भी यहाँ करेंगे ना, आपका किसी IITs और NITs में पक्का हो जाएगा। ओके, एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल व्यूअर्स, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग विद अमन फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स एंड वी हैव डन द गेट प्रिपरेशन कंबाइंड, एंड जितना ये हार्डवर्क करता है, हार्डवर्क डेफिनेटली पेज ऑफ, तो ऐसा नहीं कि हार्डवर्क कभी पे ऑफ नहीं करता, बस इट्स अबाउट द टाइम एंड डोंट गिव अप एट एवरी टाइम, यू जस्ट नीड टू फाइट बैक एंड फाइट बैक। आपको ड्रीम्स अचीव करनी है, you need to give constant fight. Kyun man baat sahi bol raha hu main galat bol raha hu? Bilkul sahi baat hai Nipun. Okay, thanks a lot guys, and I would like to thank Aman from your PDF for giving his special time. Thank you man, thanks a lot. Thank you friends.